हेलो फ्रेंड्स, पीसीआई मेकअप एकेडमी एंड सलोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ फेशियल के बेसिक स्टेप्स। आप घर बैठे कैसे बेसिक स्टेप्स लेकर आप बेसिक से एडवांस फेशियल कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको आज वन बाय वन स्टेप्स बताऊंगी और आप घर बैठे ये स्टेप्स फॉलो करके आप खुद पे ही आप अपना फेशियल कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी फैमिली फंक्शन पार्टी में अपने फ्रेंड्स फैमिली की कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमारे स्टेप्स में जनरल एप्लीकेशन होता है। तो गाइज, ये है जनरल एप्लीकेशन। 1, 2, 3, 4, 5 देन फैनिंग, अपलिफ्टिंग। गाइज, जब भी हम लोग अपलिफ्टिंग करेंगे, अपलिफ्टिंग करते वक्त बहुत ही हल्के हाथों से 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3 एंड देन सारे स्टेप्स को गाइस, ये हमारा जो नेक एरिया है, नेक एरिया में 3 स्टेप्स हैं और अब चीन एरिया जाते हैं। ये हो गया हमारा सीजर स्टॉक, 3 स्टेप्स कपिंग एंड स्लाइडिंग बैक एंड ये आपका क्रिस क्रॉस। तो गाइज, यहाँ 3 स्टेप थे, सीजर स्ट्रोक्स, कपिंग एंड स्लाइडिंग बैक एंड क्रिस क्रॉस, ये 3 स्टेप्स। एंड देन अब आते हैं हम यहाँ पे, ये हो गया हमारा अपलिफ्टिंग द चिन, रेज द जॉ लाइन एंड स्लाइडिंग बैक, पिंचिंग, टैपिंग, दैट्स इट। ये आपका यहाँ कंप्लीट होता है। अब आते हैं हमारे यहाँ पे स्माइलिंग की जगह पे आपको ये करना है लाफ्टर लाइन, छोटे छोटे जेड बनाने हैं आपको एंड देन स्लाइडिंग करना है, दैट्स। उसके बाद आपका अब लाफ्टर पॉइंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेम होंगे, 3 बार रिपीट करने हैं। हमारा यहाँ का प्रोसेस एंड होता है। अब हम लोग लिप्स पे आते हैं गाइज, ये आपका हो गया हाफ मून, ये आपका हो गया क्रिस क्रॉस, ये आपको ऐसे जाना है, फिर ऐसे आना है एंड देन ये आपका हो गया हाफ मून। गाइज, आपको ऐसे करने हैं, देन आपके लाफ्टर लाइन पे क्लॉक वाइज पुश एंड क्लॉक वाइज पुश, आपको ये फॉलो करना है। अपलिफ्टिंग द नोज, सॉरी, अपलिफ्टिंग द लिप्स, ये आपको अपलिफ्टिंग करनी है। उसके बाद गाइज, हम नोज पे चले आते हैं, ये हो गया आपका क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, अपलिफ्टिंग द नोज, क्रिस क्रॉस स्लाइडिंग बैक एंड देन सीजर स्ट्रोक है, ऐसे जाना और ऊपर प्रेशर पॉइंट यहाँ आपको डालना है, नीचे जाना है, ऊपर प्रेशर पॉइंट यहाँ डालना है। देन आप आइस पे चले आइए, सर्कलिंग आइस क्लॉक वाइज वे में एंड एंटी क्लॉक वाइज वे में, आपको सर्कलिंग आइस करनी है गाइस। देन यहाँ पे क्लॉक वाइज पुश, एंटी क्लॉक वाइज पुश, आपको आई बॉल पे करना है क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज, आपको एस बनाना है इनवर्ड एंड आउटवर्ड, वो देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। इस हाथों से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये आपका इनवर्ड हो गया, यहाँ से आते वक्त यहाँ से आउटवर्ड हो गया, 2 फिंगर से आपको बाहर जाना है। ये प्रोसेस आपको सेम रिपीट करना है बोथ साइड्स। अब आ जाते हैं हम लोग कपिंग, ऐसा आपको कप करना है सेम हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, ये आपका हॉरिजेंटल हो गया, ये आपका वर्टिकल हो गया, तो ये हो गया कपिंग एंड ये भी कपिंग। देन अभी हम लोग करते हैं प्रेस द आईब्रोज एंड स्लाइडिंग बैक, प्रेस द आईब्रोज एंड स्लाइडिंग बैक, अपलिफ्टिंग द आईब्रोज, ये आपको अपलिफ्ट करना है। जितने भी होंगे हम अपने क्लाइंट से उनका प्रेशर पूछ लेंगे कि मैम ये प्रेशर आपके लिए सही है या नहीं,
उस प्रेशर के अनुसार ही हम अपने क्लाइंट को फेशियल करते हैं, मतलब प्रेशर देते हैं, एंड देन हम फोरहेड पे चले आते हैं। ये आपका क्रिस क्रॉस तीन पार्ट में करना है गाइस, 1, 2 एंड 3। देखिए 1, 2 एंड 3, ये आपका क्रिस क्रॉस सीजर स्टॉक, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, आपको तीन पार्ट में करने हैं। अब आ जाइए, S&8 है ये, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल, तो ये हमारा हो गया हॉरिजेंटल एंड ये हो गया हमारा वर्टिकल। तो ये हमारा देखिए गाइस, ऐसे S बनाना है फिर 8 बनाना है, S बनाना है फिर 8 बनाना है, तो ये हो गया आपका S&8। उसके बाद प्रेशर पॉइंट है ये, उसके बाद हम चिक्स को करेंगे, अपलिफ्टिंग द चिक्स। ये आपको ईयर के पॉइंट पे आपको जाना है, यहाँ से ये दोनों हाथ खींच करके यहाँ लाना है और ये हाथ को ऊपर करना है, सेम ये हाथ खींच के दोनों ऊपर जाना है और ये हाथ ऊपर आना है, इसे कहते हैं अपलिफ्टिंग द चिक्स तीन बार, एंड देन सर्कलिंग द आईज एंड स्लाइडिंग बैक, सर्कलिंग द चिक्स एंड स्लाइडिंग बैक, सर्कलिंग द चिक्स एंड स्लाइडिंग तीन बार करने हैं, 1, 2 एंड 3। उसके बाद S&8 करने हैं, यहाँ से छोटा S फिर 8 S8 S8। उसके बाद फैनिंग, आप ये सीधा भी कर सकते हैं और ये आप उल्टा भी कर सकते हैं, ये आपका फैनिंग, एंड देन चिक्स पे पिंचिंग टैपिंग, और ये हो गया आपका नकल रीडिंग। ये हैंड्स को आपको ऐसे ऐसे करना है, मूव्स करना है, 1 फिर स्लाइडिंग बैक 2 फिर स्लाइडिंग बैक 3 एंड स्लाइडिंग बैक, ये आपका नकल रीडिंग, पिंचिंग टैपिंग। और आ जाते हैं प्रेशर पॉइंट पे, जो फेशियल का सबसे मुख्य पार्ट होता है गाइस, और इसे प्रेशर पॉइंट देना बहुत ज़रूरी है, जैसे हमारे क्लाइंट्स रिलैक्स हो पाते हैं, क्योंकि प्रेशर पॉइंट के जरिए शरीर का पूरा पार्ट जो है रिलैक्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले प्रेशर पॉइंट देखते हैं, 1 आईब्रोज के दोनों बीच में हैंड नेल्स को ऐसे रखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और दोनों हाथ को जाके पीछे 12, ये आपका प्रेशर पॉइंट, ये हो गया वाइब्रेशन, ये आपका फेदर पिच। तो गाइज ये रहा हमारा कंप्लीट बेसिक फेशियल स्टेप्स, जिसे आप घर बैठे सीखें, और हमारे इस स्टेप्स को बहुत ही इजी तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं, और बहुत ही इजी भी है, जो मैंने बहुत इजी तरीके से बताया है आपको, इसे फॉलो करके आप बेसिक से एडवांस फेशियल घर बैठे कर सकते हैं। और गाइस बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारा बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि हम लोग उत्साहित होकर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें और आपके घर बैठे आप तक सारी वीडियोज़ पहुँचा सकें। थैंक यू सो मच।